वेलकम टू किंग बर्ड्स केयर दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं डफ के बारे में। मॉर्निंग डफ जिसे कहते हैं या चाइना डफ भी इसे कहा जाता है। अच्छा जी, डफ जो हजरात पालते हैं उनमें बहुत से मसले आते हैं जो बहुत से लोगों को नहीं पता, तो आज हम उन कॉमन मसलों के बारे में बात करेंगे और उनके हल भी बताएंगे। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपने कोई भी बर्ड्स आपने रखा हुआ है और उसमें कोई मसले आ रहे हैं और आप उसको हल कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। जो भी रिलेटेड वीडियो हो उसको कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। अपनी नॉलेज दूसरों तक पहुंचाइए ताकि दूसरों के लिए आसानी हो, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम आए थे आपको भी बहुत मुश्किल यहाँ होती होंगी, बहुत मुश्किल से इन्फॉर्मेशन मिलती होंगी। तो आपको भी चाहिए कि आप भी इसको एक्सप्लोर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो। तो आप कमेंट के अंदर बताइए। अगर आप कोई चीज़ गलत कर रहे होंगे तो उसकी इस्लाह भी हो जाएगी, और अगर आप कोई चीज़ अच्छी कर रहे हैं, कुछ अच्छा इनिशिएट ले रहे हैं, तो फिर लोगों को उससे हेल्प भी होगी। अच्छा, एक और बात यहाँ पे करता चलूँ कि आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो देख लेते हैं, तो चैनल को हाथ के हाथ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा वरना आप कहीं से भी कोई भी मालूम से हाथ धो बैठ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। अब यहाँ पर मैं आपको एक मसला बताता हूँ। बहुत से लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि क्या हम डफ के अंदर दूसरी जाली लगा दें या दूसरी छन्नी लगा दें, क्योंकि डफ बहुत जल्दी ब्रीड कर रही है। अब देखिए, डायमंड डफ जो है वो बहुत जल्दी ब्रीड करती है। यहाँ पर भी आप देख लें, दो अंडे इसने यहाँ पर रखे हुए हैं और अभी इसका एक बच्चा मैंने सेपरेट कर दिया है और एक बच्चा यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर बच्चा इससे भी छोटा है, यानी कि छन्नी के अंदर ही मौजूद है और अभी कूदा नहीं है और उसने दोबारा अंडे दे दिए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप जो मिक्सीड चला रहे हैं उसके अंदर गर्म दाना ज़्यादा है, लाल कंगनी ज़्यादा है, जिसकी वजह से बर्ड्स आपका हीट पे आके जल्दी ब्रीड कर रहा है, जल्दी अंडे दे रहा है। और इस कंडीशन के अंदर अंडे खाली भी आते हैं, यानी कि अनफर्टाइल अंडे भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे मसले की। देखिए, डफ को हम लूसन देते हैं हफ्ते में 102 दफ़ा, जो इनके लिए बहुत अच्छा है, ज़रूरी है, मगर बास टाइम लूसन ज़्यादा खाने की वजह से इनको मोशन भी आ जाते हैं और ये लूसन के पत्ते जो है वो अपनी नेस्टिंग बनाने के काम में ले लेती हैं, उसकी नेस्टिंग बना लेती हैं, जिसकी वजह से बच्चे को ठंड भी लग सकती है और जिसकी वजह से इनकी छन्नी के अंदर जो है वो कीड़े हो जाते हैं बारीक बारीक। तो उसकी पहली एहतियात यह है कि अगर ये लूसन की नेस्टिंग कर लेते हैं तो वो आप नेस्टिंग हटा के इनको दूसरा कोई नेस्टिंग मटेरियल दीजिए, और अगर इनके छन्नी जो है वो आपको नम नज़र आ रही है या उसके अंदर मोशन वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो फिर आप उसको सफाई कर दीजिए और उसके अंदर नई नेस्टिंग लगा के उसको प्लेस कर दीजिए। थोड़ा सा कूपेक्स पाउडर भी डाल दीजिए ताकि कीड़े वगैरह ना लगें। अब देखिए, नॉर्मली डफ दो ही अंडे देती है और दो ही बच्चे उसके अंदर से निकलते हैं, और बास टाइम जो है वो एक बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता, छोटा होता है तो सर्वाइव नहीं कर पाता, वरना दोनों ही बच्चे जो है वो एक्टिव होते हैं और सर्वाइव करते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने इसके भी बच्चे सेपरेट कर दिए थे, इसके भी देख लेता हूँ मैं, अंडे रख दिए होंगे इसने। हाँ जी बिल्कुल, ये देखिए ताज़े अंडे हैं, इन्होंने ये भी अंडे रख दिए हैं। तो अब तकरीबन अंडे रखने के 12-13 दिन बाद ही इसमें से बच्चे हैच हो जाएंगे। बच्चों को जैसा मैंने आपको एज दिखाई उस एज के अंदर आप अलग कर सकते हैं। बास टाइम ऐसा होता है कि ये फर्स्ट जब क्लच कर रहे होते हैं तो अपने बच्चों को फीड नहीं कराते, एक आध बच्चे को फीड नहीं कराते, दोबारा से ब्रीडिंग पे आ जाते हैं। तो उस सूरत में आप ये देख लीजिए कि अगर आप हैंड फीड पे बच्चे को उठा सकते हैं तो आप उठा लीजिए, अगर वो दाना खुद से चुगना शुरू हो गया है तो फिर आप रहने दीजिए। यहाँ पर आप देख लीजिए, मेरे ख्याल में ये अभी हैचिंग हुई है, अंडे के छिलके यहाँ पर मौजूद हैं और हम देख भी लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और ये मुझे अभी की नहीं, ये कल की हैचिंग लग रही है। कल जो है वो इन्होंने सफाई के बाद जो है ये हैचिंग हुई है, एक की जो है वो कल हो गई थी सुबह और एक की जो है वो आज हुई है माशाल्लाह से। अगर आपने अभी तक इसका एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप ज़रूर एक दो पेयर लाजमी रखें, बहुत मज़े का परिंदा है, बहुत मज़ा आएगा आपको उसकी ब्रीड लेने में। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं माशाल्लाह से दो बच्चे यहाँ पर भी मौजूद हैं, और नेस्टिंग आप देख लीजिए, इतनी नेस्टिंग हो तो काफ़ी होती है इनके लिए। अच्छा जी, अब बहुत से लोग वाइट डफ रखते हैं या रेड डफ रखते हैं तो वो परेशान होते हैं कि ये बहुत जल्दी ब्रीड नहीं कर रही, डायमंड डफ तो बहुत जल्दी कर रही थी। तो देखिए, अभी मैं आपको बता दूं, ये आपके सामने रेड डफ का पेयर है और उसके पट्टे भी इसके अंदर दोनों पट्टे मौजूद हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। अच्छा जी, ये पट्टे जो है वो आपके सामने साइज़ माशाल्लाह से अच्छा है और पट्टे भी तैयार हो चुके हैं ये,
यहाँ पर मैं पट्टों को पहले भी अलग कर सकता था, मगर पहले भी अलग कर देता तब भी ये एगलिंग जो है वो कुछ टाइम बाद करते हैं, यानी कि एक क्लच ख़त्म होने के कुछ टाइम बाद ये दोबारा से एगलिंग करते हैं। इसी तरह जो है वो पाइट डफ का भी है, पाइट डफ भी थोड़ा सा टाइम लेके दोबारा से एगलिंग करता है। एगलिंग के बाद जो है वो उनका वही प्रोसीजर है, 12-13 दिन में अंडों से बच्चे निकल आते हैं। यहाँ पर कुछ और भी पट्टे मेरे पास मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ का आपने ख्याल ये रखना है कि बारिशों का सीज़न आने वाला है। अगर आपने डब रखी हुई है या आप रखना चाह रहे हैं तो बारिशों की जो हवा चलती है, ठंडी हवा, उससे आपने इनको लाजमी लाजमी बचाना है। उसकी वजह यह है कि बारिशों के सीज़न में जो हवा चलती है वो इनके लिए बहुत नुकसानदेह होती है, फिंच के लिए भी बहुत नुकसानदेह होती है और इनके लिए भी बहुत नुकसानदेह होती है। और ये हाथ जो है वो मेरा ज़रा सा उल्टा पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको दिखा भी दूँ। अच्छा जी, यहाँ पर पहले मैं ज़रा आपको ये दिखा दूँ कि ये पट्टा जो है वो माशाल्लाह से इसका रिंग आना शुरू हो चुका है, ठीक है। और ये बहुत घबरा रहा है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इसको मैंने पकड़ा है। खैर, इसको जो है वो बाकी पट्टों में छोड़ देते हैं। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था बारिशों के सीज़न की या सर्दियों के सीज़न की। तो सर्दियों की हवा जो है इनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। रात में आप इनको कवर करके जाइए, सुबह की धूप इन पे लगनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ देर की धूप कम से कम इन पे ज़रूर लगे। तो जितने अगर धूप लगेगी ना तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एक्टिव भी रहेंगे और बीमारियों से भी बचे रहेंगे। अभी देखिए, ये शेड में होने, सेमी शेड में होने की वजह से जो है वो इन पट्टों का साइज़ भी माशाल्लाह से आपके सामने है और इनके रिंग भी आना शुरू हो गया है। अच्छा जी, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इतनी जल्दी एक परिंदा ब्रीड कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसको उतनी ही तवानाई भी चाहिए, उतनी ही ग़िज़ा भी चाहिए। तो आपने इनको मल्टीविटामिन लाजमी लगाने हैं। पानी के अंदर हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा आपने मल्टीविटामिन लगाने हैं। वेडलिन करके एक सीरप है, आप ले सकते हैं, किसी भी मेडिकल से मिल जाएगा, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर भी बताया हुआ है। इसके अलावा आपने इनके कैल्शियम पी के नाम से एक सीरप आता है, कैल्शियम के लिए वो लाजमी लगाना है। इनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है जिसकी वजह से इनके अंडे की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती और ब्रीडिंग पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अभी आप लोगों के सामने जितने मैंने आपको पेयर देखा है, सब ने 2-2 अंडे रखे हुए हैं, सब ने 2-2 बच्चे रखे हुए हैं माशाल्लाह से। तो मेरे पास रिज़ल्ट जो है वो आपकी दुआ से बहुत अच्छा आ रहा है। ये कुछ पट्टे हैं जो मेरे पास अब रेडी टू ब्रीड हो चुके हैं और इनको भी मैं बहुत जल्दी जो है वो प्लेस कर दूँगा। इन केस आपका परिंदा जो है वो उसको हवा लग गई है थोड़ी सी और वो पर फुला के बैठ गया है, इनका ये पहचान होती है, ये पर फुला के बैठ जाते हैं, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए धूप दिखाइए, उम्मीद है कि वो दोबारा से रिकवर कर लेगा और बेहतर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आपके साथ कोई मसला आता है तो आप बेझिझक होकर कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। डफ के अलावा भी अगर कोई और परिंदे में भी आपका कोई मसला आ रहा है तो भी आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। इसी तरह की बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।